करके खेल सकते हैं और बेस्ट रेटर कैचर को 21,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। गांव नांगली, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद, 25 दिसंबर को आप सभी दर्शक और खिलाड़ी गांव नांगली पहुंचे भाई। धन्यवाद बाबा अकबरपुर की टीम। दोस्तों गांव की साइड आ सोंगल जिला कैथल की टीम, मंदिर की साइड आ गया गोगी सोंगलिया। गोगी सोंगलिया पहली रेड पर। मैच का स्कोर कितना है जी? और विकास मकरोडा से पॉइंट मिला गोगी सोंगल को। मैच लगेगा जबरदस्त मैच लगेगा। रेड पाओ भाई, कितना स्कोर है जी इन मैचों का पता कुछ? गोविंद 13.5-14 ठीक है, ताकि हमें भी पता चले। ऋतिक बलारा बैकग्राउंड से बाहर ले जाओ सिन्नू, और ऋतिक को भी स्कोर मिलेगा सोनू से। अब आएगा प्रदीप बैनी चंद्रपाल, नियर मैम जिला रोहतक का खिलाड़ी, और रोहतक की टीम के सामने खेलता हुआ नजर आएगा। हाँ, डाटा सिटी फरीदाबाद, ऐसा मैच और इनाम ना रखे ये हो नहीं सकता। दोनों साइड कितने कैच मारो पर कैच 200 लो। और अलकपुरिया काला भिवानी के खिलाड़ी ने रोहतक के खिलाड़ी को चित कर दिया, शानदार कैच। अब आएगा सैंडी वलारा। कोच साहब, हाँ जी, फोटो वाला साथी एक बार स्टेज पर पहुंचे और अगले मैच के लिए टीम तैयार रहेगी। औसर वर्सेस गगनखेड़ी। हाँ जी, औसर वर्सेस गगनखेड़ी का अगर टीम फर्स्ट आती है तो 11,000 रुपए सरपंच का बड़ा भाई रविंद्र जाखड़ मान सम्मान करेगा और दौड़ा बलराज घी का पीपा देगा जिसको। हाँ बिल्कुल, इनाम पे इनाम चला हुआ है और यहाँ यानी कैच लग चुकी है, फिर आएगा गोगी। बिल्कुल आखिरी दम तक ये मैच जाएगा, 100% हमें उम्मीद है। और अब अमीर के छोटे भाई प्रदीप कुमार यहाँ पे नेशनल कबड्डी की प्रैक्टिस कराते, नर्सरी है, कोई भी बच्चा गांव गुआंड का प्रैक्टिस कराना चाहता तो कर सकता है, क्योंकि नेशनल में पहचान सिनू भाई की बनी। हमारे ब्लॉक भी खेलाते, रेड भी करा करते, जो जितेंद्र डाटा की बात है, यह हमारी नेशनल कबड्डी की एक समय बहुत ऊंचे लेवल की टीम थी और आज नए नए बच्चों को कबड्डी सिखाने का कार्य करते, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। ऋतिक बवाड़ा फिलहाल रेड करता हुआ। हाँ जी, हेलो, एक अपने भाई ने डाटा का जिप्तम गुप्ता का उसको सम्मानित करें, एक बार स्टेज पर आए जिप्तम सुनब श्री गुप्ता राम डाटा, एक बार स्टेज पर आओ भाई, उनको सम्मानित करेंगे चेयरमैन साहब। और प्रदीप कुमार आ गया रेड पर, बाइक विजेता खिलाड़ी प्रदीप कुमार, जिला कैथल की धरती पर बाइक जीतने वाला खिलाड़ी फिलहाल लीड करता हुआ। 3 कैचर बहु अकबरपुर के, चौथा कैचर विकास मकलोडे वाला नेर बरवाड़ा जिला हिसार, गुड कैच। ये जो सुरेश भाई बॉर्डर से है या चंडीगढ़ से भाई हमारे हैं, पर कैच 400 रुपए दे रहे हैं, 200 200। आ गया सैंडी बलारा, सैंडी बलारा, सोनू 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 सोमलिया, बहुत बड़े कैचर का नाम है, लेकिन इतनी स्पीड से चलता है सैंडी बलारा जैसे 315 बोर की गोली चलती है, बहुत जबरदस्त स्पीड है इस भाई की। और गोगी हमदर्द खिलाड़ी हैं, एक जैसी उम्र के खिलाड़ी चाहिए, गोगी की बात हो या फिर सैंडी बलारा की बात हो। रोकी परमजीत और 2 कैचरों पर दाव खेला बहु अकबरपुर की टीम ने, काला और विकास मतलोडा, जबकि सोमल की टीम ने कैचर लिया है लेफ्ट कॉर्नर काले कच्चे में, कैली पाई जिला कैथल, और प्रदीप बहनी चंद्रपाल उर्फ मूंगा। पॉइंट मिलेगा रीति को, पॉइंट मिलेगा बहू को। परसोत्तम चाहर गांव राजली ब्लॉक समिति मेंबर हमारी बाबा लाल दास खेल कमेटी डाटा सिटी को शुभ संदेश दे रहे, मैं चार साहब का धन्यवाद करता हूं। आ गया प्रदीप कुमार काले, पॉइंट मिलेगा प्रदीप को, पॉइंट मिलेगा मुंगे को। 13.5-14 का स्कोर चला हुआ है और बहुत बढ़िया मैच चला हुआ,
सैंडी अगेन, ये कैच भी इस मैच में आपको अगले राउंड में प्रवेश करा सकती है और एक लूज कैच भी आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। इतना तगड़ा मैच चला हुआ है, स्टार से स्टार प्लेयर आज के टाइम के दोनों टीमों में मौजूद हैं। फिर आ गया गोगी, एक गोगी है गिराए वाला, ये गोगी है सोंगल वाला, सोनू सुधीर इस प्रकार के प्लेयर हुए हैं सोंगल जिला कैथड़ में। और राजेश डीपी साहब की वहां काफी दिन पोस्टिंग रही, बच्चों को तैयार किया, फिलहाल ऑफिस सेटिंग कर रहे हैं। और परमजीत को टच किया है, बीच में टच किया है, और परमजीत सुस्त खड़ा था, उसका फायदा उठाया है, पॉइंट मिलेगा गोगी को। रोशन जी डाटा को सम्मानित करें हमारे चेयरमैन आदरणीय सोनू सियाद जी, चेयरमैन जिला परिषद, बिल्कुल एक डायरी के द्वारा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं हमारे सोनू सियाद जी, चेयरमैन जिला परिषद हिसार। और फिर आपको याद दिला दूं, डाटा सिटी फरीदाबाद की तरफ से प्रकाश 200 पॉइंट मिलेगा बहु अकबरपुर को। प्रदीप कुमार आएगा रेड पर, परमजीत रोकी, विकास और काला, ये चार टॉपर हैं। तगड़ा सेट है कैच का। सोनू चेयरमैन जिला परिषद और भाई जलदीप मेंबर ने बिल्कुल हमारी खेल समिति को नए वर्ष के लिए डायरी दी है, और जलदीप मेंबर ने भाई 5100 रुपए हमारे खेल क्लब को देकर प्रोत्साहित करने का काम किया है, धन्यवाद भाई जलदीप मेंबर जी। एक मिनट बात कर रहे हैं, इन्होंने कह दिया हम बात कर रहे हैं, ऑफिशियल बात कर रहे हैं, उसके बाद डिसीजन आएगा। तीनों चारों ऑफिशियल बात कर रहे हैं, आपकी मांग जायज है, मांग आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है, बिल्कुल खिलाड़ी का अधिकार होता है मांग करने का, ठीक है जी। शीला डीपी ने कह दिया जिसका पॉइंट होगा उसको मिलेगा, और खुद शीला डीपी रू चेक करेंगे। देखो मिनट चो दो फालतू लाग जाओ, सांस तक पाछा हुआ रान तक गाल हुआ कट्टी रात तो हिली, आधा घंटा और सही न्याय दे के जाएंगे खिलाड़ियों को। शीला डीपी जी आप चेक कर लो, मैच चला हुआ ठीक है। कौन साहब बिल्कुल, हाँ जी चांदूराम व्यापारी जी डाटा से अपना मान सम्मान का समर्थन चिन्ह लेके जाए और स्टेज पर पहुंचे, चांदूराम व्यापारी डाटा। और यहाँ कैच है, बिल्कुल कैले पाई ने जबरदस्त कैच लगा दी सैंडी बलारा को, बहुत ही उम्दा किस्म की कैच। मैं पहले कह रहा हूं एक एक कैच की कीमत है, एक एक पॉइंट की कीमत है, और जो प्राप्त करेगा वही आगे निकल जाएगा। आज की जो 52 टीमों का मुकाबला चला हुआ है उनमें से जो अंतिम 8 टीमें हैं उनका मुकाबला जारी है, और 11000 में पहुंचने के लिए अभी भी ये मैच जीतना जरूरी है, कम से कम 11000 की बात कर रहा हूं मैं, और कम से कम 11000 की बात कर रहा हूं। गोगी ने कहा फोटो भाई साफ सुथरी कैच, साफ सुथरी कैच, टच नहीं चलेगा, क्लियर के बाद पॉइंट होता है, मेर ना करो, क्लियर होनी चाहिए, चाहे इनकी बात है चाहे आउट की बात है। साहब हाँ जी, अपने कितने मैच पेंडिंग है सरपंच साहब जी पूछ रहे हैं, सरपंच साहब जी पूछ रहे हैं जी 2 और 2 4 और 2 6 1 7 7-8 मैच है जी, 7-8 मैच बकाया, हाँ 7-8 मैच है जी, पॉइंट रीतिक को मिल गया है। हाँ जी वो जोड़ी चेक करा था वो रेड पॉइंट है, पॉइंट 100 नोट कर लो जी, सोंगल का पॉइंट मिला, सोंगल को दे दिया गया, बात खत्म। अब आ गया प्रदीप कुमार बहनी चंद्रपाल, नियर मैम डिस्ट्रिक्ट रोहतक, और डबल टच, डबल टच का इशारा आया है। हेलो भाई प्रीतम, भाई प्रीतम ने भी एक बार सम्मानित करेंगे, आज भाई उधर बहुत बड़े कैचर से पॉइंट लिया सैंडी बलारा ने,
कैली पाई का रुतबा है, कैली पाई का जलवा है, कैली पाई का रुके रोएगा खिलाड़ी है और सेमीफाइनल को स्कोर मिला है। कोच साहब अगर गल्लन खेड़ी जीती है ना तो 11000 रुपए सरपंच का भाई बड़ा रविंद्र जाखड़ मान सम्मान में 11000 रुपए देंगे और बनराज दौड़ा एक गीगा पिपा दे अगर जो गल्लन खेड़ी जीतता है तो पर कैच पर रेट 100 रुपए देके दौड़ा भाई इस मैच के और सरपंच का भाई रविंद्र अगर जो फर्स्ट आवे से 11000 रुपए की गीगा पिपा देंगे साढ़े नौ ग्यारह का स्कोर है बहू के पक्ष में। फिलहाल मैं एक बात कहता हूं, मैं स्पष्ट रेफरी अगर ये मान ले मेरे से गलती हो सकती है तो ही लू है, नहीं तो नहीं है, ये क्लियर बात है और वो उसी के आधार पर मैच चला हुआ है। गोगी अगेन एक बार फिर रेड पर, गोगी अगेन एक बार फिर रेड पर और अब के बाल काला पॉइंट रेडा 10.5 और 11 जो पहले 3 पॉइंट बनाएगा यानी उस हिसाब से टीम जीत जाएगी। पहले जो 3 बनाएगा मैं फिर आपको बता रहा हूं, हाँ टाइट फाइट है बिल्कुल बढ़िया। ऋतिक को पॉइंट 12.5 अब आएगा प्रदीप मुंगा, एक कैच में ही जो लगाएगा किसी भी साइड मेरा अनुमान है वही टीम आगे चली जाएगी आई थिंक्स हमारी सोच के मुताबिक। बाकी तो मैच में कुछ भी हो सकता है, लगातार भी 4 पॉइंट बन सकते हैं लेकिन इतने ज्यादा पॉइंट की किसी भी टीम को आवश्यकता नहीं है। और यहां कैच काला लटप्रिया जीतू कैच लगा सकता है, 13.5 का स्कोर है। अब 3 पॉइंट चाहिए मैच जीतने के लिए सोमर को, 1 पॉइंट चाहिए मैच जीतने के लिए बहु अकबरपुर को, यह है स्थिति। हाँ छोटी हाइट का रेडर, छोटी हाइट का रेटर सोनू कैली, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी कैली पाई, कैली पाई और नीचे हाइट का रेडर निकल गया वो वाला बिल्कुल पॉइंट सही पॉइंट है। कैली बहुत पहले हाथ लाग लिया, पहले हाथ लाग के फिर गिर रहा है, पॉइंट रेड रहा ये तो स्पष्ट है। और 14 बहु अकबरपुर मेरे ख्याल से 10.5 तगड़ा मैच हुआ, बहुत ही तगड़ा, दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई।